परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु ने फिर से ये समय को दिया आप लोगों के बीच में। परमेश्वर ने और एक बार हम लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए इस सुंदर समय को दिया, उसलिए प्रभु के महान नाम का धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दास होने के नाते आइए हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम लोग प्रभु के सम्मुख में अपने मन को, अपने दिल को प्रभु के सम्मुख में रखते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद हम लोग आगे का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवित परमेश्वर तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता, में हम प्रार्थना करते हैं हर एक विषय के लिए पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तू आशीष कर पिता, अनुसार तेरी महिमा और दुनिया प्रकाशित कर। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक कमी घड़ी को तू पूरी कर पिता मेश्वर, और पिता मेश्वर तेरे राज्य के लिए हम लोग खोजी बनने पाए तू गाय कर। सारे आदर में जला दिल देते इस प्रार्थना को कि यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उस परमेश्वर का जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं तो प्रभु का हम लोग क्या करते हैं, आराधना और वंदना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसीलिए रचा है कि हम परमेश्वर का क्या करें, स्तुति प्रशंसा करें। स्तुति प्रशंसा हम पहले भी बोल चुके हैं, स्तुति प्रशंसा ऐसा चीज है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम आ जाते हैं, और परमेश्वर जब उपस्थिति हमारे बीच में आता है तो परमेश्वर हर एक बंधन को, हर एक जादूटोना विद्या को, हर एक रोग को, हर एक समस्या को, आप जिस स्थिति में भी रहें प्रभु उस स्थिति में आके आपके जीवन में क्या करता, छुटकारा के मार्ग करते हैं। जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति है वहां पर छुटकारा है। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए हम लोग क्या करें, परमेश्वर का आराधना करें। हम लोग गाना गाएंगे, आखिरी नशिंगा पुका जाने वाला है। आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति के लिए गाना को गाएंगे। आखिरी नशिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नशिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नशिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नशिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले तो मसीह में मुर्दे की उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे उठेंगे, ताकि जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, आखिरी नशिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नशिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, गिर गए जो लम्हे तेरे पास ना आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, गिर गए जो लम्हे तेरे पास ना आएंगे। दुनिया में तो
ना ही जन वाला है, दुनिया में तो ना ही जन वाला है, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, गिर गए जो लम्हे तेरे साथ आएंगे, तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, गिर गए जो लम्हे तेरे साथ आएंगे, दुनिया में तो सनाई रहन वाला है, दुनिया में तो सनाई रहन वाला है, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, कहाँ होगा, तेरी दौलत तेरी दौलत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी, सब चीजों का खत्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खत्मा जल्दी होने वाला है, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया, परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर को जो आने वाला है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर आने वाला है, उस परमेश्वर का हम महिमा करेंगे, उस परमेश्वर को गुणगान करेंगे। आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु हमारे लिए कलवरी क्रूस में अपने जीवन को दे दिया ताकि हम क्या हो, जीवन को पाए, और जो लोग उसको रौंदा है, जो उसका जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस में अपने जीवन को दे दिया था हमारे लिए और उसको अस्वीकार किया है प्रभु यीशु मसीह को, तो उनका जीवन व्यर्थ ही होगा। हम लोग गाना में जब सुन रहे थे कि आखिरी नसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। यीशु मसीह कोई धर्म का नहीं, यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम उसके द्वारा, उसको विश्वास के द्वारा, उसके लहू के विश्वास के द्वारा कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या हुआ, कुर्बान हुआ। जब हम ये विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में क्या करते हैं, अद्भुत इसी से कार्य करते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन में क्या करते हैं, उद्धार को लाते हैं, अनंत जीवन को लाते हैं। अनंत जीवन एक ऐसा चीज है, उसको पकड़ कर रहना पड़ता है। मत सोचिए कि मैं विश्वास कर लिया हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास कर लिया हूँ, मैं पवित्र आत्मा पा लिया हूँ, बपतिस्मा ले लिया हूँ, उसका मतलब नहीं कि मैंने अनंत जीवन को पा लिया हूँ। अनंत जीवन को पाने के लिए आपको निरंतर प्रार्थना और प्रभु की संगति में रहना पड़ेगा, प्रभु के साथ दिन भर दिन आपका व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ दूर होना पड़ेगा। आप क्या पाप में जी रहे हैं क्या, ये आपको अपने आप को परीक्षा करना पड़ेगा, अपना जीवन को परीक्षा करना पड़ेगा, तभी आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अनंत जीवन आसान चीज नहीं है, अनंत जीवन को प्राप्त करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। प्रभु अनंत जीवन देता है और हमारे रोग कष्ट को प्रभु दूर करता है, मगर अनंत जीवन को आपको प्राप्त करना पड़ेगा, आपको प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए वो दिन आ चुका है, परमेश्वर का न्याय का दिन आ चुका है, उसलिए हमको तैयार होना है। क्या हम इस जगत में रह जाएंगे जब प्रभु आएंगे, रक्षर के दिन, पुनरुत्थान के दिन सारे लोगों को उठा लेंगे प्रभु, जो लोग उनके दास है, जो लोग उनके विश्वासी है, जो उनके वचन में अनुसार चलते हैं, उन सबको उठा लेंगे प्रभु, क्या मैं रह जाऊंगा क्या, ये प्रश्न अपने जीवन के रखिए, याद रखिए। जब प्रभु इस जगत में जब आएंगे, रैप्चर के दिन में जब आएंगे प्रभु, और जब उनके लोगों को उठा के ले जाएंगे, विश्वासी लोगों को, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या काम कर रहे हैं, हमको किस तरह से प्रभु से जुड़ना है, ये आपको अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम में अनुग्रह जब पुनरुत्थान हो जाएगा,
रैप्चर हो जाएगा, तब मत सोचिए कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसे आश्चर्य कर्म करेंगे, हीलिंग होगा, वरदान होगा, नहीं, प्रभु पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा और तब अनुग्रह जो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ताड़ना का दिन है, प्रभु का क्रोध का दिन है। इसलिए हम प्रभु के पास अपने जीवन को रख लीजिए, जब तक आप जिंदा है, जब तक प्रभु में आप जुड़े रहेंगे तब तक आपका उद्धार है, नहीं तो आपका विनाश है। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का, उसका 7 का हम लोग अगर देखेंगे, वहां पर 7 का, वहां पर 7 से हम लोग अगर 27 तक देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं वहां पर, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हमारा मांग, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मांगो तो तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम क्या कहोगे, पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हमारा मांग किस प्रकार है, हम प्रभु से, हमारा प्रभु से मांग किस प्रकार रहते हैं। हालेलुया। कोई कोई अजीब अजीब चीज मांग लेता प्रभु से, प्रभु सोच लीजिए आपके विरुद्ध में कोई बुरा बात बोला या झगड़ा किया तो हम बोल देते प्रभु उसको क्या पड़ जाए, गोड़ा पड़ जाए, वो एक्सीडेंट हो जाए, उसके हाथ पर टूट जाए, प्रभु इसके लिए नहीं देगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लिए प्रभु आपको नहीं देगा, ढूंढो तो तुम पाओगे बोला जा रहा है। क्या ढूंढना है आपको, क्या ढूंढना चाहते हैं आप, अपने जीवन को प्रश्न कीजिए। ढूंढना है तो सिर्फ सिर्फ प्रभु को ढूंढिए, अपने हृदय में स्थान दीजिए प्रभु को, तभी प्रभु आपके जीवन में क्या करेंगे, काम करेंगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खुला जाएगा। हालेलुया। दरवाजा बंद है, हम जिस स्थिति में गति कर रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत जीवन जिस स्थिति से गति कर रहा है, हम प्रभु से बहुत ही दूर चले गए हैं, इसलिए प्रभु ने वो दरवाजा बंद किया गया है। मगर यीशु का अनुग्रह से जब हम प्रभु के सम्मुख में आते हैं और उसके दरवाजे को हम ठोकते हैं, पीटते हैं, तो दरवाजा क्या होता है, खुल जाता है, उस स्वर्ग का राज्य क्या होता है, खुल जाता है हमारे लिए। तब हम क्या करते हैं, उस जगह में एंट्री मारते हैं, प्रवेश करते हैं, हमारा परमेश्वर से जुड़ाव जुड़ जाता है। इसलिए मांगो, यीशु को मांगना है, ढूंढो ये परमेश्वर को खोजना है, खटखटाओ तो ये परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को अपने हृदय को खोल के और परमेश्वर के द्वार को खोल के हमको क्या करना है, उसमें प्रवेश करना पड़ेगा, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई उसे मांगता है उसे मिलता है, सच में आपको मिलता है, प्रभु आपको देता है क्या, मिलता है आपको। हम अगर गलत में मांगेंगे तो प्रभु हमको नहीं देगा, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। यीशु ने बोला, कहा ढूंढो तो तुम क्या पाओगे, सत्य को पाओगे। हालेलुया। हमको खोजना है। हालेलुया। खोजना है हमको, हमको परमेश्वर के लिए अपने जीवन को, ये शरीर आत्मा और मनुष्य के प्राण के लिए नहीं, आत्मा को जीवन देने के लिए आपको खोजना पड़ेगा। मनुष्य खाता पीता सब कुछ है, खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा मस्ती करूंगा सब कुछ आपके पास है, मगर आपका आत्मा अगर विनष्ट हो जाए, मरने के बाद आपका आत्मा नरक में जाए, तो आपको कुछ फायदा नहीं, धन दौलत बना के भी कुछ फायदा नहीं। इसलिए ये पहले ये आत्मा को बचाइए, इसलिए परमेश्वर का खोजी बनिए, परमेश्वर को खोजना पड़ेगा हमको। उसके बाद हम लोग नीचे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे। हालेलुया। रोटी मांगे तो पत्थर दे। आज संसार के हम माँ बाप को देखते हैं, माता पिता को देखते हैं, और उनके बच्चा छोटा रहता है, जब छोटे रहता है उस वक्त उसके माँ बाप से वो क्या करता है, रो रो के फुट फुट के जब रोता है
तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसको क्या देते हैं, खाना देते हैं। रोटी मांगने से रोटी देते हैं, मगर हम यहाँ पर देखते हैं उसके नीचे भी देखते हैं, वो मछली मांगे तो उसे सांप दे। मतलब हमारा परमेश्वर भला चीज देता है, हम जो मांगते हैं जो समझते हैं, हमारा सोच नहीं परमेश्वर का सोच इस्तेमाल होता है। हम मनुष्य होने के नाते हम नहीं जानते कि हम क्या मांग रहे हैं बोल के, मगर परमेश्वर जानता है इसको वो लेने से इसके जीवन में क्या होगा, इसलिए परमेश्वर सोच समझ के देता है। हम मनुष्य होके भी अपने बच्चे के लिए भले चिंता करते हैं, तो सोचिए परमेश्वर जो हमको बनाया, मां के गर्भ में हमको रखा, गढ़ा, हमारा एक एक हड्डी मांस को जोड़ जोड़ के परमेश्वर ने बनाया है, तो वो कितना ना सोचेगा हमारे लिए, जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारा करियर के लिए क्या करता है, उत्तम उत्तम विषय सोचता है। उस परमेश्वर के पास हम जब जाते हैं, परमेश्वर के पास अपने सम्मुख में रखते हैं, तो प्रभु हमको उत्तम से उत्तम चीज देते हैं। हालेलुया। मेरे जीवन में भी हमें अगर कुछ बताऊं टेस्टिमनी के तौर से, कुछ छोटा सा मैं आपको बताऊंगा। प्रभु ने, एक भाई ने कुछ चर्च की बिल्डिंग के लिए या मुझसे रिक्वेस्ट किए थे कि भाई चर्च के लिए कुछ भेंट दो, हम लोग चर्च के लिए मांग रहे हैं। तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं 10,000-20,000 कुछ भी दूं, मगर प्रभु को इतना कि मैं ज्यादा नहीं 500 रुपये तक भेंट दिया था उनको। 500 रुपया दिया तो कुछ दिन के बाद वो 500 रुपया 5,000 से कन्वर्ट होकर मेरे अकाउंट में आया। कोई मुझको गिफ्ट किए कि 5,000 रुपया आपको दे रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब है, प्रभु किसी का आभारी नहीं होते हैं, प्रभु किसी का आभारी नहीं होते हैं। हम अगर एक हाथ में देते हैं तो प्रभु दो हाथ से वापस करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास हम जब कुछ मांगते हैं तो प्रभु हमको उत्तम विषय देता है। वो सांप, बिच्छू, पत्थर, ईटा, बोल्डर, ये सब चीज नहीं देते प्रभु। प्रभु हमको देते हैं तो अच्छी चीजें देते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखना है, परमेश्वर के पास अपने हृदय को रखना है, परमेश्वर के विषय में हमको क्या करना है, दूसरों को कहना है कि परमेश्वर कितना भला है, मेरा परमेश्वर कितना भला है। एक बार प्रभु को चख के देखो, मेरा प्रभु कितना उत्तम है। हालेलुया। जो चख लिया उसको भूल नहीं पाएंगे आप, उसको भूल नहीं पाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप भूल नहीं पाएंगे। मैं जब चखा प्रभु को, जब गंदे में घुसा, मगर प्रभु को भूल नहीं पाया मैं। फिर से मैं प्रभु मुझको खींच के लेके आया। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको प्रेम करता है भाई, प्रभु आपको छोड़ना नहीं चाहता है, मगर हम प्रभु को छोड़ते हैं। हालेलुया। प्रभु को करीब आइए, प्रभु आपके करीब में आएगा। हालेलुया। उसके नीचे हम लोग देखते हैं, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों की अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के निकट में अपने हृदय को, अपने मन को तोड़ के और रो रो के प्रभु से निवेदन करते हैं, तो हमारा पिता क्या करता है, अपने हृदय को खोल देता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरा बेटी मांग रहा है, मैं उसको दूंगा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो बंधन खुलता है। जब प्रभु का दास किसी रोगी के लिए प्रार्थना करता है, रोगी के लिए रो रो के प्रार्थना करता है, कुछ समस्या के लिए रो रो के प्रार्थना करता है, तो वो बंधन तोड़ देते हैं प्रभु, और वो बंधन को तोड़ के प्रभु क्या करते हैं, उसके जीवन में आशीष देते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु से मांगिए, दुनिया के आगे हाथ मत पाटिए। हालेलुया। इसमें हम शिक्षा पाते हैं कि हम दुनिया के आगे हाथ ना पाते। मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास प्रभु में होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के निकट में हमको क्या करना है, सबसे पहले अपना जीवन को रखना है परमेश्वर के पास, अपना जीवन को क्या करना है, रख के प्रभु के पास निवेदन करना है, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। दुनिया के आगे मत बढ़िए, दुनिया के पीछे भीख मत मांगिए कि मुझको दे दीजिए, मुझको दे दीजिए। आप अपने घुटने को टेकिए, हो सके आपको तकलीफ लगे, 2 घंटा बैठिए, 3 घंटा बैठिए, तकलीफ लगे प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, देखिए प्रभु अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं आपको,
जब परेशानी में मैं गिरता हूँ, हताश में मेरे जीवन में आता है, तो प्रभु क्या करते हैं, रास्ता खोल देते हैं। मुझे किसी के पास मांगना नहीं पड़ता है, मैं प्रभु का सेवा करता हूँ, मुझे किसी के पास मांगना नहीं पड़ता है। हालेलुया, मैं चाहता तो बहुत बड़ा बड़ा जॉब कर सकता था, हालेलुया, मगर प्रभु ने मुझे जब चुना, प्रभु ने मुझे जब निकाला उस जगह से, आज मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। मैं सोचता था कि प्रभु तूने मुझे चुना है तो इस दुनिया के जगत के लिए, जगत का जॉब, सांसारिक चीज में मुझको किस लिए चुना है, क्या तुम उसको इस्तेमाल नहीं करेगा? इस्तेमाल किया प्रभु ने, प्रभु ने अब संपूर्ण रूप से मुझको उस चीज से निकाल के प्रभु की सेवा के लिए चुना। हालेलुया, प्रभु की सेवा के लिए चुना। समस्या आ रहे हैं, मगर समस्या आते आते सोच लीजिए कुछ दिन के बाद वो बढ़ने वाला, ऐसे सिचुएशन में जब आ रहा है, उससे पहले ही प्रभु क्या कर रहे हैं, उस समस्या को हल कर दे रहे हैं। किधर से ना किधर से पैसा आ जा रहा है, कुछ चीज खाने के लिए मन करता है तो प्रभु उसको भी जुगा देते हैं। हालेलुया, मेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, इसलिए मैं कहता हूँ एक बार प्रभु को चख के देखिए मेरे भाई बहनों, एक बार प्रभु को चख के देखिए। जब आप घुटने में आ जाएंगे, दुनिया के पास आपको झुकना नहीं पड़ेगा, वो तो सर्वशक्तिमान है, दुनिया को रचाने वाला परमेश्वर है, आपको बनाने वाला परमेश्वर है, तो आप दुनिया के पास किस लिए झुकते हैं? परमेश्वर के पास झुकिए, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके नीचे हम बढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ता की शिक्षा यही है। हालेलुया, अपने लिए जो सोचते हैं वो दूसरों के लिए भी क्या करना हमको सोचना है। हालेलुया, सिर्फ अपने भलाई के लिए नहीं, मैं अपना खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा मस्ती करूंगा, अगर आपको दूसरे से कुछ फायदा मिल रहा है, या सोच लीजिए कुछ भी, कुछ संस्था वा कुछ भी आ गया है तो वो कुछ बांट रहा है आपके आपके गांव में, आपके एरिया में, अगर कोई व्यक्ति वो नहीं जानता है, ठीक है ना, वो चुपचाप से अपने घर में पड़ा हुआ है, मगर आप उनके साथ मिलाव जुलाव आपका है, मगर आप उसकी ईर्ष्या से आप उसको नहीं बता रहे, तो वो प्रभु के राज्य के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। मैं अगर लाभ उठा रहा हूं तो दूसरों को भी लाभ उठाना है, मैं अगर यीशु को पाक के जीवन को अनंत जीवन प्राप्त कर रहा हूं तो दूसरों को भी अनंत जीवन के बारे बताना है। हालेलुया, क्योंकि इसमें फायदा का बात नहीं है, ये प्रभु का राज्य के बात है। हालेलुया, वो संसारी चीज के लिए छोड़ दीजिए, मगर आपको अनंत जीवन आप पाए हैं तो खुद दूसरों को भी बताना पड़ेगा आपको, तभी आपका प्रभु का राज्य को आप फैला पाएंगे। यीशु मसीह किसी को धर्म परिवर्तन करना नहीं है, ये सिर्फ मन को प्रभु को प्राप्त करके आप अनंत जीवन को प्राप्त करना है, ये विषय आपको आशीषित करेगा मेरे भाइयों बहनों। उसके बाद हम देखते हैं 13 में देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, सकेत फाटक में प्रवेश करो। हालेलुया, सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, वो बहुत तरह हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया, हम दुनिया में देखते हैं जहां पर आसानी होता है, ठीक है ना, जो चीज काम करने में आसान होता है उसी में आदमी क्या करते हैं, भिड़ जाते हैं, ठीक है, जो चीज करने में आसानी होता है उसी में आदमी क्या करते हैं, घुस जाते हैं, और जिसमें हार्ड लेवल का काम रहता है, ठीक है, हार्ड लेवल का काम रहता है, मगर वहां पर कोई घुसने का ट्राई नहीं करते, क्यों नहीं करते, उसमें क्या है, चौड़ा मार्ग क्या होता है, ट्रक बस ट्रेन सब चला जाएगा उसमें, ठीक है ना, मगर पतला रास्ता में क्या होता है, उसमें एक ही व्यक्ति चल सकेगा, उसको हिल नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, सीधा जाएगा, बैलेंस करके चलना पड़ता है। उसी तरह संसार में जब हम रहते हैं तो हम दुनिया में हम जब रहते हैं तो हम क्या करते हैं, दुनियादारी के पीछे में दौड़ के क्या करते हैं, जहां पर आसानी का चीज है वहां पर घूमते हैं, जहां परिश्रम है वहां पर हम लोग दिमाग को नहीं लगाते हैं, मगर ये जान रखिए जहां पर कठिनाई है उसमें बाद में क्या है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, मगर जिसमें हम शुरुआत में देख रहे बहुत आनंद है, बाद में वो क्या होता है, खतरे को और जाते हैं। हालेलुया, जैसे हम देखते हैं नशा वाला व्यक्ति क्या करता है,
पहले पहले जब वो नशा को करता है तो उसको बहुत आनंद लगता, परम सुख मिलता है उसके जीवन में, ठीक है ना। शराबी एक शराबी जब पीता है तो बोलता है मैं तो शराब को पी रहा हूँ, हालेलुया, आनंद मिल रहा है मेरे को, टेंशन मेरा भूल जा रहा है, मगर बाद में वो शराब क्या करता है, उसका लीवर किडनी डैमेज कर देता है। इसी तरह परमेश्वर के राज्य के लिए भी क्या करना, हमको चौड़ा मार्ग को नहीं खोजना है। चौड़ा मार्ग में जाएंगे तो अनेक लोग उस चौड़ा मार्ग में जाता है, परिश्रमी होंगे, आपके पास कांटे बहुत आएंगे, मगर आपको आगे बढ़ना, उस नीचे में लिखा हुआ है, क्योंकि सकेत के सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। सकरा मार्ग पतला रास्ता जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े थोड़े हैं जो उसमें पाते हैं, थोड़े लोग, क्योंकि वो परिश्रम करके प्रभु के पास जाना चाहते हैं। उसके पैर में क्या घुसता है, कांटा घुसता है, दुनिया के लोग उसके विरुद्ध में बात करते हैं, यीशु को जो स्वीकार करता है उनके मुंह में बात करते हैं, हालेलुया। मैं सीधा सीधा बात करता हूँ कि हमारा भारत देश में भी क्या होता है, एक मसीह को छोटा नीच जात बोल के समझा जाता है, हालेलुया। मगर यीशु कोई जात भेद के लिए नहीं आया था, यीशु आपको बचाने के लिए आया था, यीशु आपको बचाने के लिए आया था, हालेलुया। वो आपको क्या बोलेंगे, दूसरे लोग क्या बोलेंगे, छोटा जात है, नीच जात है, मगर परमेश्वर आपके क्या करता है, प्रेम करता है, जात के लिए नहीं, प्रभु आपको जात के लिए नहीं। आज मसीह में देखिए, मसीह समाज में छोटा जात होता तो आप उतना गाली दे रहे हैं, इतना मार रहे हैं उनको, उतना जगाड़ रहे हैं, फिर भी वो लोग प्रभु के नाम से आपको क्षमा किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रभु आपको क्षमा करने के लिए सिखाया है, हालेलुया, और हम उसी को फॉलो करते हैं। दुनियादारी के लोग बोलते हैं कैसे तुम लोग मसीह हो, विरोध में विरोध खड़ा हो, नहीं भाई, हमको विरोध करना नहीं है, प्रभु ने हमको विरोध करना नहीं सिखाया है, प्रभु हमको प्रेम करना सिखाया है, हालेलुया। आज हम उस प्रेम में बंधे रहना है, हमको प्रभु में आगे बढ़ना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में क्या करेगा, अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आइए हम लोग नीचे पढ़ते हैं, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्य वक्ता से क्या रहो, सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए, हालेलुया। आज दुनिया में अनेक प्रकार के प्रभु के दास निकल चुके हैं, उनकी शिक्षाएं अलग अलग निकल रहे हैं, ठगी के काम कर रहे हैं, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो आते हैं मुझको इतना पैसा दो, मैं आपके लिए ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, मगर क्या होता है, वो पैसा को मिलने के बाद वो लोग भाग जाते हैं, भविष्यवाणी के नाम से आपसे इतना पैसा अटक लेते हैं, हालेलुया। चर्च के नाम से आपसे इतना पैसा अटक लेते हैं, आपको कार्ड मिलेगा, यीशु को स्वीकार कर लीजिए, आपको कार्ड मिलेगा, बैंक बैलेंस मिलेगा, हालेलुया। वचन को उलट मिलट के आपको बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे संस्था भी निकल गए, अनेक प्रकार डॉक्टर में भी निकल चुका है। इसलिए इसको हमको पकड़ रखना है मेरे भाइयों, इसको हमको पकड़ रखना है, ये आपको मार्गदर्शन दिखाएगा, जिसके पास ये नहीं है वो भटक जाएगा, वो भटक जाएगा, इसलिए इसको हमको पकड़ के आगे बढ़ना है, इसको नींद रात मनन करना है, हालेलुया, तभी आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा, आपके हृदय के पट्टा में, आपके मस्तिष्क के पट्टा में क्या करना है, इसको लगा कर रखना है, चिपका कर रखना है आपको, जैसे आप भटक ना जाए, पहचान पाए उस भेड़ को, वो क्या करता है, शेर की तरह क्या करता है, सॉरी यहां पर लिखा है तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए, वो क्या है, भेड़िए के समान है, फाड़ देते हैं। भेड़ क्या करता है, जो चरवाहा रहता है मतलब कलीसिया के पास्टर रहते हैं, उस पास्टर में भेड़ जो रहते हैं उसके अंदर भेड़िया आके क्या करता है, तितर बितर कर देता है। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहिए, हालेलुया, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहिए। मेरा मतलब ये नहीं कि वो कोई भी आए, कोई पास्टर आए, हमको आत्मा को परखने के लिए प्रभु ने क्या किया है, दान दिया है, इसलिए हमको क्या करना है, आत्मा को परखना है। उनके फलों से तुम क्या करोगे, उन्हें पहचान लोगे, क्या झाड़िया से अंगूर व उटका टोरो के अंजीर में तोड़ते हैं, हालेलुया। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है, हालेलुया।
हम एक आम के पेड़ में जाएंगे और उसको बोलेंगे हम उसमें लेम्बू उगा, तो वो उगेगा क्या? आम से आम ही निकलेगा, लेम्बू गस से लेम्बू, लेम्बू पेड़ से लेम्बू निकलेगा। उसी प्रकार हम पहचानेंगे जो परमेश्वर के ओर से आया है वो परमेश्वर का फल ही उसके अंदर आएगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं वचन में लिखे गलातिया, हम लोग देखेंगे वहां पर पांच का 22-23 में लिखा हुआ है आत्मा का फल दिया गया है, उसमें से अगर कुछ भी कमी रहता है तो प्रभु की ओर से वो नहीं है। हालेलुया, प्रभु की ओर से नहीं है। उसके वचन को हमको देखना है, उसके शिक्षा की ओर देखना है। इसलिए मैं कहता हूं इसको पकड़ रखिए, कोई भी आ जाए, मैं भी आ जाऊं, हालेलुया, मैं अगर गलत दूं तो आप मुझको पकड़ सकेंगे, हालेलुया। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले इसको हमको पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे तो वहां पर लिखा अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। इसलिए फल को पहले हमको जानना पड़ेगा। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो क्या किया जाता है, काटा और आग में डाला जाता है। पेड़ में अगर फल ना उगे तो हम क्या करते हैं, मनुष्य होने के नाते हम भी क्या करते हैं, परमेश्वर तो इतना धैर्य के साथ हमको देखता रहता है कि मेरा बेटा सुधर जाएगा। हम अगर मनुष्य होके एक पेड़ को देखते हैं ये फल लगेगा, ये फल लगेगा। मैं अपने ही उदाहरण देता हूँ, एक पपीता गज था हम लोग का और साइड में लगा हुआ था पपीता गज, तो उस पपीता गज को हम लोग जब देखते थे हम बोलते थे पेड़ फल लगेगा, फल लगा, फल लगा, फल लगा। मगर बहुत बार तक हम लोग उसको वेट किए, फल नहीं लाया, तो हम लोग क्या किए, उसको उखाड़ के फेंक दिए। उसी तरह जब हम परमेश्वर के वचन को जब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं जो फल, जो पेड़ फल नहीं लाता तो उसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, उसको आग में डाला दिया जाता है। मतलब परमेश्वर भी देखता है अगर कोई प्रभु के जन है, प्रभु विश्वासी लोग हैं, उसके जीवन में प्रभु के फल दिखता नहीं। हम लोग देखें पांच का 22-23 में देखे, वो अगर उसमें फल नहीं है, प्रेम, धैर्य, सहनशीलता, विश्वास, ये सब चीज अगर हमारे जीवन में नहीं है, 9 फल है, अगर वो सब चीज नहीं है हमारे जीवन में तो हमको भी क्या करेंगे प्रभु, उसी तरह काट के और आग में, मतलब नरक में हमको क्या किया जाएगा, झोंक दिया जाएगा। इसलिए अपने आप को सावधान रखिए, केयरफुल रखिए, ताकि हम प्रभु के सामने खड़े हो सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो तुम तुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मत्ती का 7:21 में पॉइंट दिया गया है, जो मुझे हे प्रभु करके पुकारते हैं ऐसे व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। जो मेरी पिता की इच्छा को पूरी करता है वही, मतलब हम इसमें देख सकते हैं वो कौन है जो हे प्रभु कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना कोई अन्य जाति तो नहीं बोलेंगे, अलग धर्म के तो आदमी लोग तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो हे प्रभु बोलने वाला कौन है, विश्वासी लोग, पास्टर लोग, जो लोग प्रभु को जानते हैं वो लोग ही बोलेगा। इसलिए प्रभु उन लोगों को बोल रहे हैं, वो व्यक्ति को बोल रहे हैं जो मुझे हे प्रभु करके पुकारते हैं, वो लोग नहीं जाएंगे। अपने खाली मुंह से प्रभु को नाम जानते हैं मगर हृदय से प्रभु को नहीं जानते हैं। हालेलुया, हृदय को ये नहीं मानते हैं, वचन को नहीं मानते हैं, ऐसे व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वहां पर नीचे में लिखा हुआ है, उस दिन बहुत तेरे मुंह से कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से क्या नहीं किए, भविष्यवाणी नहीं किए, हालेलुया, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। ये कौन लोग हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, पास्टर और विश्वासी के बारे में बता रहे हैं प्रभु। वो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो लोग चंगाई कर रहे हैं, वो लोग दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, उनके बारे प्रभु बता रहे हैं। हालेलुया, ये लोग क्या करते हैं, अपने मुंह से क्या करते हैं, हे प्रभु करके पुकारते हैं, और मगर उनके जीवन में क्या नहीं है, ये वचन, ये आज्ञा नहीं है, वचन के साथ इसके पालन करने वाला नहीं है। सिर्फ उनके पास विश्वास का ढाल है, विश्वास रखे हुए हैं मगर प्रभु को, उसकी आज्ञा को नहीं रखे हैं। वचन में लिखा हुआ है विश्वास बिना कर्म क्या है, मृत्यु है, और कर्म बिना विश्वास क्या है,
मृत्यु है। इसलिए हम दोनों को पकड़ना हमको, हालेलुया, मतलब आज्ञा और विश्वास को सिर्फ यीशु के नाम को लेने से नहीं होता है। यीशु के नाम में शक्ति है, मानते हैं, मगर प्रभु एक कंडीशन रखा है, उसकी आज्ञा को पालन करना सिखाता है हमको, हालेलुया। उसके नीचे में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, यीशु मसीह बोल रहे हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, उन पास्टर, उन विश्वासी को, उन लोगों को जो लोग प्रभु को जानते हैं, खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। ये किन लोगों के बारे में बता रहा प्रभु? नहीं पहचानते, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, उनके जीवन में कुकर्म है। प्रभु के नाम को बिजनेस बना दिए हैं, प्रभु के काम को बिजनेस बना दिए हैं, प्रभु के सेवा को है किए हैं, प्रभु का क्रूस को है किए हैं, प्रभु का क्रूस को तुच्छ किए हैं। ऐसे व्यक्ति लोग क्या होंगे? उस नरक की आग, उस दलदल में जलेंगे। हालेलुया। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के न्याय ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर के वचन को, यीशु के वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर के नस नस में बसा लिया है ना, वो कैसे बनेगा? एक चट्टान के समय बनेगा, चट्टान के समझ बनेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? उस चट्टान में घर को बनाएगा। हालेलुया। और उसको कोई भी संसार का ताकत हिला नहीं पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर को पकड़ लिया है। उसके पास क्या है? ये वचन है, और वचन उसको क्या करेगा? संभालेगा। हालेलुया। उस वचन उसको संभालेगा, उसको कोई हिला नहीं पाएगा। तूफान आएगा, जब बाढ़ आएगा, बारिश आएगा, तो बड़ा बड़ा तूफान आके उसको ढलमल करेगा, मगर वो हिलने का नहीं, क्योंकि उसका नींव परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। उसका नींव परमेश्वर का वचन है, इसलिए परमेश्वर उसको क्या करेगा? स्ट्रांगली पकड़ के रहेगा। और उसके नीचे हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है 25 में, और मैं बरसा और बाढ़ आई और अंधिया चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डली गई थी। वो चट्टान कौन है जानते हैं? हालेलुया। ये चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। और चट्टान में जब हम अपना घर को बनाते हैं, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। कल मैं ये प्रचार कर रहा था एक परिवार में, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर में जब हम परमेश्वर से यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, चट्टान के साथ जुड़ जाते हैं, ठोस बन जाता है हमारा नींव, तो कोई हमको हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। संसार की जितने भी ताकत आ जाए, आपको कोई हिला नहीं पाएगा। उसके बाद हम नीचे पढ़ते हैं, टाइम ज्यादा हो जा रहा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, फिर से पढ़ता हूं मैं, सुनिए, फिर से ध्यान से सुनिए, परंतु जो कोई मेरे ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निबुद्धि मनुष्य के न्याय ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। हालेलुया। बालू पर बनाया, वो किस में डिपेंड कर रहा है? वो वचन पर डिपेंड नहीं कर रहा, चंगाई के ऊपर, भविष्यवाणी के ऊपर, अद्भुत काम के ऊपर वो व्यक्ति क्या कर डिपेंड कर रहा है। हालेलुया। मगर उसका नींव यीशु से नहीं जुड़ा हुआ, ढीला ढाला है। हालेलुया। स्ट्रांगनेस नहीं है उसका नींव। वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? हम लोग नीचे पढ़ते हैं, वह बरसा और बाढ़ आई और आंधिया चली और उस घर पर टकरे लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। और उसका घर क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। ये शरीर जो है, ये क्या हो गया? सत्यानाश। हम लोग पढ़ सकते हैं वहां पर, पहला करंथी 3 का 16-17 में लिखा हुआ है, 17 में लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर के मंदिर को क्या करे, नष्ट करे, उसको क्या करेगा? परमेश्वर नष्ट करेगा। इसका मतलब हम परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का मंदिर में यीशु वास करता है, परमेश्वर का आत्मा वास करता है, पवित्र आत्मा वास करता है, और पवित्र आत्मा जहां पर वास करता है, अगर हम परमेश्वर के वचन को ना सुने तो परमेश्वर क्या करेगा? हमको नष्ट करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी मेरा
जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखिए, अपने मन को प्रभु के हाथों में रखिए, तभी प्रभु अद्भुत से कार्य करेगा। प्रभु आप सभी को आशीष करे और इस वचन के द्वारा प्रत्येक को आशीषित करे, उनके जीवन में मार्गदर्शन करे। आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करके इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन वीडियो के द्वारा पिता मिश्र उनके जीवन में कार्य करे। आज का जो मैसेज दिया गया पिता, उस मैसेज के द्वारा उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर पिता। सारे महिमा जलाल तुझको देते हैं पिता। समस्त प्रार्थना तुमने सुना, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।